आज हम बंडा तहसील के गनियारी गांव में जॉन डियर 50-50 डी और महिंद्रा 585 का महामुकाबला करने वाले हैं। दोनों ही 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं और दोनों का हम डीजल टेस्ट करने वाले हैं। कौन सा ट्रैक्टर कितनी गहराई लेके चल रहा है, कितना एरिया कवर करता है, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करने वाले हैं। डीजल टेस्ट करने के लिए किट का इस्तेमाल किया जाता है जो अलग से लगाई जाती है, जिसमें 2 लीटर डीजल अलग से भरा जाता है, इस किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोधी फार्म ब्लॉग्स में। यह सब संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपके विचार में कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाता है, कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर डीजल कम खाता है, कौन से ट्रैक्टर में ताकत या लोड खींचने की क्षमता ज़्यादा है या कम है, कौन सा काम ज़्यादा करता है या कम करता है, हमें कमेंट में बताइए। आइए हम ट्रैक्टर को तैयार करते हैं। हमने सबसे पहले जॉन डियर में डीजल किट लगाना शुरू कर दिया है और ये महिंद्रा खड़ा है, साथ में गांव वाले लोग खड़े हुए हैं जो टेस्टिंग देखने वाले हैं, और ये ट्रैक्टर में किट लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2 लीटर हमने इसमें डीजल भर दिया है फिक्स, और इस किट में पूरी मार्किंग दी हुई है, 1-1 ग्राम की मार्किंग दी हुई है, जिससे हमें डीजल नापने में सहूलियत रहती है। और इस ट्रैक्टर को हम चलाने वाले हैं, लोग ये दूसरा गियर में चलाने वाले हैं, 1300 की रेस पर इस ट्रैक्टर को चलाने वाले हैं, और दोनों ट्रैक्टर को सेम रेस पर सेम गियर में हम चलाएंगे। और दोनों ट्रैक्टरों में जो टायर साइज़ दिए पीछे वाली 14-28 के टायर दिए हैं, महिंद्रा में भी और जॉन डियर में भी, और आगे वाले टायर दिए 7-50-16 के टायर दिए हैं। और इनमें जो हमने हवा रखी है वो 12-12 फंड दोनों ट्रैक्टरों के टायरों में हवा रखी है, और ये एक ही यंत्र चलाने वाले, एक ही प्लाउ दोनों ट्रैक्टरों पर चलाकर हम देखेंगे। और ये ज़मीन में हम जहाँ पर हम चला रहे हैं, ये ज़मीन परती ज़मीन पड़ी है, मतलब हार्ड जगह है बहुत ज़्यादा, इसमें हम डीजल टेस्टिंग करने वाले हैं दोनों ट्रैक्टरों की। आइए जब तक ट्रैक्टर चल रहा है तब तक हम एक आपसे सवाल पूछते हैं। कई बार किसान लोग कहते हैं कि महिंद्रा 585 या 7250 या कोई अन्य कंपनी का ट्रैक्टर जो है डीजल कम खाता है या जॉन डियर का ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाता है। तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपको सबसे कम ट्रैक्टर लगता है कि सबसे कम डीजल खाता है, उस ट्रैक्टर को सेम मॉडल मान लीजिए 585 है वो आपके पास है और वही किसी दूसरे किसान के पास है, तो वही ट्रैक्टर आपके पास डीजल कम खा रहा है और वही मॉडल वही ट्रैक्टर किसी दूसरे किसान के यहाँ पर डीजल ज़्यादा खाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आइए मैं आप इसका जवाब देता हूँ आपको। क्योंकि इस मशीन के अंदर कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर, उसके अंदर अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। आप जैसा लोड ट्रैक्टर पर पड़ेगा ट्रैक्टर डीजल उसके हिसाब से खाएगा, खुद का तो दिमाग कुछ है नहीं, फिक्स सेटिंग रहती है दोनों ट्रैक्टरों में, सेटिंग बराबर है, उसके बावजूद भी अलग अलग डीजल खा रहे हैं दोनों कंपनी के ट्रैक्टर, या सेम कंपनी का ट्रैक्टर दोनों किसानों के पास अलग अलग डीजल खा रहा है, सेम सेटिंग सेम मॉडल होने के बावजूद भी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम खेत का बदलाव करते हैं, मान लीजिए एक खेत में दूसरे ट्रैक्टर को चला रहा है और दूसरे खेत में हम दूसरे ट्रैक्टर को चला रहे हैं, तो दोनों में जो है एवरेज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये ज़मीन पर भी निर्भर होता है डीजल का एवरेज। मशीन में सेटिंग फिक्स है, मशीन एक जैसी है, एक जैसा इंजन है, फिर भी अलग अलग आ रहा, तो क्यों आ रहा? क्योंकि ज़मीन अलग अलग है हर एक किसान की। एक भाई साहब दूसरे खेत में चला रहे हैं, दूसरे किसान दूसरे खेत में चला रहे हैं, तो उससे भी एवरेज का अंतर आ सकता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो पीछे जो हम यंत्र चला रहे हैं, पंजा चला रहे हैं, कल्टीवेटर चला रहे हैं, प्लाउ चला रहे हैं, तो हम वो भी अलग अलग कंपनी के चलाते हैं। अगर हम वो भी कंपनी बदलेंगे तो भी एवरेज का अंतर आ सकता है, क्योंकि हर एक कंपनी की अलग अलग बनावट होती है, अलग अलग सेटिंग होती है। उसके बाद किसी पंजे में या इम्प्लीमेंट में यंत्र में धार लगी है, मतलब, और किसी का मोथला है या कम धार वाला है, तो भी उससे एवरेज का अंतर आता है। तीसरी चीज़ जो आती है ड्राइवर, हर एक किसान का अलग अलग ड्राइवर होता है या खुद अलग अलग ट्रैक्टर चलाते हैं। जब ड्राइवर अलग अलग होगा तो सेम कंपनी का ट्रैक्टर या सेम कंपनी का मॉडल भी अलग अलग एवरेज निकालेगा, क्योंकि हर एक ड्राइवर के चलाने की जो सेटिंग होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग हो तो उसका तरीका होता है, हवा कम ज़्यादा होगी तो भी अंतर आएगा। उसके बाद हम गहराई कितनी ले रहे हैं, उस गहराई पर भी एवरेज अलग अलग होता है। कोई ट्रैक्टर में मान लीजिए हम गहराई कम लेके चला रहे हैं और किसी को हम गहराई ज़्यादा लेके चलाते हैं, तो ज़्यादा गहराई वाला ट्रैक्टर भी डीजल ज़्यादा खाएगा। इसके बाद जो हम जगह निकाल रहे हैं, एरिया कवर कर रहे हैं, वो भी कितना कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर डीजल का अंतर आता है। अगर सेम कंपनी का ट्रैक्टर दो सेम मॉडल हैं और एक ही कंपनी का ट्रैक्टर है और दो अलग अलग किसान चलाते हैं, तो इसलिए ये डीजल का एवरेज अलग अलग आता है हर एक कंपनी का, हर एक मॉडल का। अभी हम इस ट्रैक्टर को जहाँ पर चला रहे हैं, ये जगह बहुत ज़्यादा हार्ड जगह है जो परती जगह पड़ी रहती है, जिस पर भैंसें वगैरह मवेशी वगैरह चढ़ते हैं,
ये वो जगह है, बहुत ज़्यादा हार्ड जगह है जहाँ पर हम इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं। और इस ट्रैक्टर को हम 1300 की रेस पर चला रहे हैं, ये आप मीटर में भी देख लीजिए, हम 1300 की रेस पर इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं और लो के दूसरे गियर में हम इसको चला रहे हैं। इस ट्रैक्टर में जो टायर दिए हैं वो 14/28 के टायर आते हैं और इसमें हमने 12 फुट हवा रखी है और इसकी जो हम गहराई लेके चला रहे हैं वो 9 इंच के लगभग इसकी गहराई आ रही है जहाँ पर हम इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं। MB प्लाउ चला रहे हैं, ये उमिया कंपनी का MB प्लाउ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रैक्टर डीजल खपत कम करे और काम ज़्यादा से ज़्यादा करे, कम डीजल खपत में अच्छा काम करे, तो उसके लिए ट्रैक्टर के मैचिंग का इम्प्लीमेंट होना, यंत्र होना बहुत ज़रूरी है, उसकी ऊंचाई होना जरूरी है। जैसे कि आपको याद होगा कि अपने दादाजी लोग बैल कितना ऊंचा है उसके हिसाब से बकर का नेत बनवाते थे कारियर के यहाँ पर, वैसे ही हमारे ट्रैक्टर के हिसाब से यंत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका सही है और आप इसको सही सेटिंग से चला रहे हो तो आपका कम से कम ट्रैक्टर डीजल खपत करेगा और काम अच्छा करेगा। और आपका यंत्र आपने सही ले लिया, सही साइज का यंत्र है, तो उसके बाद हमें टॉप लिंक कहाँ पर कौन से होल में लगाना है जॉन डीयर ट्रैक्टर में, यह सब संपूर्ण जानकारी आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल लोधी फार्म ब्लॉग्स पर जाएंगे। उसमें जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में है यंत्र की संपूर्ण जानकारी प्लेलिस्ट है। उसमें आप जाने के बाद आपको जैसे कल्टीवेटर वगैरह या यंत्र की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपके ट्रैक्टर में, ये इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये फेरा पूरा होने के बाद हम ट्रैक्टर को बंद कर देंगे और ये ट्रैक्टर चला है 14 मिनट चला है, 14 मिनट में इसने 740 ml डीजल लिया है। और इसके बाद हम ऐसे ही महिंद्रा पर किट लगाकर अब महिंद्रा के ट्रैक्टर को भी चलाते हैं, इसमें भी हमने किट लगा दी है और इस ट्रैक्टर को भी हम लो के दूसरा गियर में 1300 की रेस पे महिंद्रा ट्रैक्टर को चला रहे हैं। गहराई भी हमने लगभग 9 इंच के लगभग ही गहराई हम इसमें भी चलाते हैं और हमने प्लाउ भी वही लगाया है, सेम वही प्लाउ निकाल कर जॉन डियर से हमने महिंद्रा पर लगाया है, तभी हमें सही एवरेज पता चलेगा कि कौन सा ट्रैक्टर कितना डीजल ले रहा है, कितना काम कर रहा है। हम गहराई भी सेम रखी है और हम जगह भी बराबर निकालेंगे, जितने फेरे हमने जॉन डियर ट्रैक्टर से लगाए थे उतनी ही जगह या उतनी ही फेरे हम महिंद्रा ट्रैक्टर से भी लगाएंगे और लगभग समय भी सेम वही रखेंगे, 14 या 15 मिनट ही रखेंगे, कितने समय में उतने फेरे लगा पा रहा है, क्योंकि रेस सेम है और गियर भी सेम है, लो का दूसरा गियर है तो लगभग टाइम भी उतना ही लगेगा। महिंद्रा के ट्रैक्टर में टॉप रिंग लगाने के लिए एक ही होल मिलता है, तो ये देखिए आप जहाँ पर हार्ड जगह आती है वहाँ पर ये प्लाउ को ऑटोमेटिक बाहर कर देता है, पूरा लीवर नीचे होने के बाद भी ये गहराई कम कर देता है ऑटोमेटिक, तो ये सही से गहरा नहीं ले पाता क्योंकि इसमें टॉप रिंग लगाने के लिए सिंगल होल दिया है। और जॉन डियर के ट्रैक्टर में टॉप रिंग लगाने के लिए 3 होल आते हैं, तो कई बार इसका नुकसान भी होता है कि किसान जो है हमेशा जॉन डियर के ट्रैक्टर में टॉप रिंग बीच वाले होल में लगा कर रखते हैं तो उससे डीजल का अंतर भी आता है। अगर आप इसकी संपूर्ण जानकारी चाहते हैं कि जॉन डियर के ट्रैक्टर में टॉप लिंक कहाँ पर लगाकर चलाना चाहिए, कौन से यंत्र में किस खेत में कहाँ पर लगाकर चलाना चाहिए, तो इसके लिए आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे और यंत्र की संपूर्ण जानकारी प्लेलिस्ट पर जाकर आपको इसका फुल वीडियो मिल जाएगा कि जॉन डियर के ट्रैक्टर में आपको टॉप लिंक 3 होल में से कौन से यंत्र में चलाना है, कहाँ पर किस होल में चलाना है। और अगर आपने टॉप लिंक की सेटिंग सही कर ली जॉन डियर के ट्रैक्टर में तो फिर आपको कभी भी डीजल ज़्यादा खाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट में आपको नए नए यंत्रों का वीडियो मिल जाएगा, जैसे लेजर लेबलर है, सुपर सीडर है, वैक्यूम प्लांटर है, हाई स्पीड प्लांटर है, राउंड बेलर है, ये सब वीडियो अभी आपको, थ्रेसर वगैरह का वीडियो भी आपको इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद महिंद्रा का भी समय पूरा हो जाएगा और बराबर चक्कर हो जाएंगे। इस ट्रैक्टर ने को भी हमने 14 मिनट चलाया है और इस ट्रैक्टर ने डीजल लिया है वो भी 740 ml लिया है, तो दोनों ही ट्रैक्टर का जो एवरेज निकला है वो अपना 3 लीटर 171 ग्राम का एवरेज आया पर घंटे के हिसाब से और दोनों ही ट्रैक्टरों ने बराबर जगह कवर की है, बराबर गहराई लेके चलाया है। महिंद्रा में कहीं कहीं गहराई कम होने की दिक्कत आई थी, जहाँ पर हार्ड जगह थी वहाँ पर ऑटोमेटिक प्लाउ बाहर आ जाता था, बाकी जॉन डियर में ऐसा नहीं था। और आपका मैसी में देखोगे वीडियो बना, उसमें आती है टॉप लिंक लगाने के लिए यहाँ पर सिंगल पिन, ठीक है। जॉन डियर का आप कोई भी ट्रैक्टर लोगे उसमें ये आपको 3 होल देखेंगे टॉप लिंक लगाने के लिए, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है, जब जगह हार्ड जमीन आती है ज़्यादा हार्ड, वहाँ पर जो सिंगल पिन वाले ट्रैक्टर हैं ये गहराई लेने में दिक्कत करते हैं, और ये आपने अंदाज भी किया होगा वो क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि सिंगल पिन दिए और वो 3 होल वाला जो सेंसिंग ब्रैकेट है उसको धरती पर कहीं चले जाओ तुम हर जगह वो काम करेगा। बस कुछ गलती हम ये करते हैं लगाने में भी हम गलती करते हैं जिसकी वजह से डीजल की खपत ज़्यादा आती है।
आपके पास है जॉन डियर, आप बता मुझे टॉपलाइन कहाँ पर चलाते हो? उसकी मैं उसका मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे। देखो अंतर क्या है बता दे रहा हूँ, इसमें आप देखो ये ऊपर फिक्स है ठीक है, नीचे भी है स्प्रिंग। हम जैसे कोई भी खेत में जाते हैं तो हमें सबसे पहले चला के कहाँ देखना है, पंजा चला के कहाँ देखना है आपको, नीचे वाले होल में ठीक है। नीचे वाले होल में चलाओगे और इधर लगाओगे आप सबसे ऊपर, क्योंकि इसकी क्या है थोड़ी सी ऊंचाई ज़्यादा रहती है जॉन डियर के ट्रैक्टर के दूसरे ट्रैक्टर से। आपने एक अंदाज किया होगा जब आपने दादा लोग कारियर के यहाँ पर बकर बनवाने जाते थे, हल बनवाने जाते थे, तो क्या होता था कि बैल कितना ऊंचा है उसके हिसाब से बकर बनता था, नेट बनता था कि नहीं बनता था। ये बात तो सही है ना। डियर 50-50D और महिंद्रा 585 दोनों ट्रैक्टर चलाए थे अपन ने, तो अभी हमने डीजल टेस्ट भी किया है, तो अब हम किसान भाइयों से जानना चाहेंगे इसमें इन लोगों ने क्या देखा, कितना क्या एरिया का और कितना डीजल खाया, तो बताइए सर। 740 ग्राम आया 14 मिनट में है ना, और दोनों ट्रैक्टरों का बराबरी बराबरी था, और अपना ये जगह भी बराबर है दोनों की, दोनों की बराबर ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें इसके बारे में राय दें, और यदि आप जॉन डियर के साथ किसी और ट्रैक्टर का मुकाबला देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।